जिंदाबाद का चेहरा बनता है अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम खान और आज है 14 अगस्त जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन स्क्वायर, तो चले हमारे साथ। मुझे लग रहा है हम लोग वक्त से पहले पहुंच चुके हैं क्योंकि ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों को भी दिखाता हूं, थोड़े से लोग उधर बैठे हैं और थोड़े लोग इधर हैं, बाकी आगे जाके देखते हैं। सोल ब्रदर्स आ चुके हैं और उन्होंने थोड़ा सा क्राउड को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग आगे जमा होना शुरू हो गए उनके पास। यार तो एक शर्ट भी दो रहे हैं हटके हटके। क्या ले भाई? अल्लाह का शुक्र ब्लॉग बना रहे कोशिश कर रहा हूँ। क्या ले भाई? क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हेलो 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 वेरी श्वेत श्वेत हेलो 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 जितने भी लोग पीछे बैठे हुए थोड़ा सा धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए धूप खा लें। आगे आ जाए प्लीज, जितना करीब आ जाएंगे तो तस्वीर में लगेगा बहुत बड़ा जो है ना वो मजमा था। बेंच पे रख देते हैं, बेंच पे रख देते। मेरे कहने के बाद चार लोग उठ के आ गए हैं, बाकी 10 पीछे और बैठे हुए। प्लीज करीब आ जाए सब ताकि जरा मिल के मजा करें। चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। Let us watch you do it for him.
सेलिब्रेशन कंटिन्यू है, लोग यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है हम लोगों को भी। हम लोग गाने भी गा रहे हैं पाकिस्तान वाले, मिली नगमे भी हो रहे हैं, कौमी तराना भी पड़ा हम लोगों ने, और अभी सब कुछ कंटिन्यू है। और आप लोग भी हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। बहुत दूर हो गए। ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा, पाकिस्तान। मुसलमानों, पाकिस्तानियों, तरी वरी बाजो हमारे साथ। साइड 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 साइड।
अभी अपने घर वाले कहने भी नहीं बैठे, आंटी कहने में बैठ गए। बैठ जाओ सब लोग। आंटी सरसिकत कॉलेज की प्रिंसिपल आंटी, हम सब आंटी के बच्चे हैं। ढूंढते हुए आते हैं। मैं आपके हाथ में माइक कर रहा हूँ। आंटी हमें बताएंगी 47 के वाकयात, 65 के वाकयात। ये पहले बंगाली है ना पाकिस्तानियों में कुछ। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाई हैं, आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आजादी का आम बच्चों को जो यहाँ की नस्ल है उसको मालूम ही नहीं है, जो हमारे वालदैन ने हमको बताया, और जो यहाँ बच्चे हैं जो उनके वालदैन हैं, यानी हमारे बेटे बेटियाँ, तो वो भी नहीं जानते उन कुर्बानियों को। इतना उनको पूछो तो वो कहते हैं हमें तो याद ही नहीं। यानी अब वो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी स्कूल कॉलेज में, उनके दादा दादी नाना नानी जो पाकिस्तान में रहते हैं किसी भी शहर में और यहाँ रहते हैं अगर, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कितना ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ दी गई। और हमारे जो वालदैन और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पहुँच नहीं सके, बहुत से खानदान जो हैं ख़त्म हो गए। खुदा के लिए इस मुल्क की कदर कीजिए, ये हमें प्लेट में नहीं मिला, ये बहुत कुर्बानियों से मिला है। दुनिया की हर नेमत इस मुल्क में है, अच्छा मौसम, पहाड़, दरिया, समंदर, कौन सी चीज है अल्लाह ने जो नहीं नवाजा। पाकिस्तान का मतलब क्या? और आज अब सब झूठ की, मेरे बच्चों की बहुत जरूरत है, हमें यूनिटी की जरूरत है, हम सब एक होकर, हम सब एक होकर पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान की कुर्बानी को ना भूलें आप, ये बहुत मेहनत से हासिल किया ये मुल्क, और इसके हासिल करने की भी वजह है जहाँ इतना करप्शन हो वो अब भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी के लिए, जोरदार तालियां भाई, भाई जोरदार तालियां। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक सूरज चल जाएगा पाकिस्तान को मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया आंटी आपका। और यार ये कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम अभी तक तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से यहाँ पे हम सब जमा हैं, तो एक इरादा था सोल ब्रदर्स पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप है फेसबुक पे, एक इट्स एन एनजीओ बेसिकली, ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ एन एनजीओ। हम क्या करते हैं, हम यूजुअली न्यू इमिग्रेंट्स और जो कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए फी सबीलिल्लाह हेल्प का काम करते हैं। अकाउंट कैसे बनवाना है, गाड़ी कहाँ से लेनी है, इंश्योरेंस कहाँ से लेनी है, रहना कहाँ पे है, किस किस तरह से जॉब सर्च की जा सकती है, उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जश्न आज़ादी के इस मौके पे एक छोटी सी रैली का इंतजाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे आईमैक्स वाला जो प्लाजा है उसकी सीधा रोड है यहाँ से, वहाँ पे सब अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पे झंडे लेकर आए। पांच बजे का टाइम डिसाइड हुआ है वहाँ पे जमा होने का, 4:30 बजे से शुरू हो जाइएगा ताकि 5 बजे वहाँ से हम आगे बढ़ सके। मिल्टन की तरफ, डिक्सी की तरफ 2-3 राउट है जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जब गाड़ियाँ सारी जमा हो जाएंगी तो आपको वहाँ पे फर्दर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन मिल्टन में भी तो हो रहा है ना कुछ, 2-3 इवेंट्स हो रहे हैं,
जहाँ पे मजीद लोग जमा तो मिल्टन ये हो रहा है यार, करते हैं कि काम पे जाता हूँ, जितने ज्यादा लोग एक जगह जमा हो सकते हो जाए तो अल्ताफ भाई वाला नाम बस काट दो बस हो गया अल्ताफ भाई वाले आज का आई आई नेक्स्ट वाले प्लाजा में 4:30 बजे आई आई प्लीज थैंक यू वेरी मच शुक्र है अल्लाह जल्ला जलालू या रब्बी या करीम या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम या अल्लाह हमें हिदायत दे पूरे आलम में हिदायत का जरिया बना आमीन ए मेरे मालिक ए मेरे खालिक ए मेरे राज़िक हम लोग इस वक्त कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के नाम के तले इकट्ठे हुए जैसे कि आंटी ने फरमाया ये बहुत कुर्बानियों से बना है हमें उन कुर्बानियों का एहसास होना नसीब फरमा या अल्लाह पाक हमें ऐसा बना लीजिए जैसा आप देखना चाहते हैं और इस मुल्क की और इस दीन की जिसके नाम पे मुल्क बना है उसकी सही नुमाइंदगी पूरे आलम में करने वाला बना दीजिए आमीन اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين امين ہمارے جو پاکستانی بھائی بہنیں فیملیز ہیں آج اپ سب نے دل جیت لیا ہے रबी साहब की बर्थडे भी है और बर्थडे बंस भी दिए जाएंगे खैर लेकिन मकसद ये है कि वी एस पाकिस्तानी हम कनाडा में रह रहे हैं या इवन हमारे पास साथी कुछ यूएस से भी आए हैं बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत साल हो गए एक मैं साहब से मिला वो 15 साल चले गए पाकिस्तान लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मिलजुल के पाकिस्तान को हमेशा याद रखते हैं जो इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हालात बिगड़ गए हालात बिगड़ गए वाकई में हालात खराब हैं लेकिन आप सब ने हम सब ने मिलकर जो है पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखना है पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचना है पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करना है पाकिस्तान से हमारे जो भी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी आए उनको हर लेवल पर आपको सपोर्ट करना है नेटवर्किंग जॉब जिस लिहाज से गाइडेंस इसी तरह हमारा भी एक छोटी सी कम्युनिटी है यहाँ पे सोल ब्रदर्स पाकिस्तान के नाम से ये सिर्फ मर्दों की कम्युनिटी नहीं ये ऑल इंक्लूसिव कम्युनिटी है और हमने ये मैसेज लेके चलना है हमने सिर्फ ग्रुप को नहीं चढ़ाना हमने पाकिस्तान को ऊपर रखना है पाकिस्तान पाकिस्तान सुनिए आप सुनिए बात कर रही हूँ बिकॉज हियर जस्ट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है अचीव आई एम द मेंबर ओवर देयर एंड आई एम डूइंग माय वॉलंटियरिंग ओवर देयर एंड आई एम जस्ट डूइंग द वेरी हार्ड वर्क फॉर द न्यू कमर स्पेशली मेरा जो काम है उनको जो जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पा रहे हमको हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना है तो हमें पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा में भी अपनी जगह बनानी है सही बात है तालियां एक दूसरे आवाज शाबाश अज़्मे आलीशान मर्कज़े पाकिस्तान मर्कज़े यकीन चार पार ज़मीन का निज़ाम कुव्वते कुव्वते आवाम कौम सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद चार पार मंज़िले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्कियों का मान तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल सारे खुदाए जुल्जलाल पाकिस्तान जिंदाबाद जोर से बोलो पाकिस्तान के बोलो पाकिस्तान अल्लाह के बोलो पाकिस्तान अधीरे बोलो पाकिस्तान अधीरे बोलो पाकिस्तान अल्लाह के बोलो पाकिस्तान पाकिस्तान और आसमां इनके सिवा जाना कहां चलती रहे ये रोशनी आखड़े 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 आखड़े
जा पाकिस्तान हिल हिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। और सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुकी है, हम लोग गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान थे, तो अभी हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड्स और यहाँ से हमने लिए ये ठंडा ठंडा स्मूदी। ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।